हमने पिछली क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टडी किया है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कहने का ये मतलब है, हमने पिछली क्लासेस में इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन देखे हैं और उनका डिफरेंशिएशन भी किया है। अब कई ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो ना ही इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं और ना ही एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, वो किसी और फंक्शन से होकर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि y एक फंक्शन है जो सपोज t का फंक्शन है, और एक अलग फंक्शन है जो t पर डिपेंडेंट है, अगर ये हमें मिलता है 4t2+t। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन y है जो t पर डिपेंडेंट है और दूसरा है फंक्शन x जो ऑल्सो t पर डिपेंडेंट है। मतलब फंक्शन y x का फंक्शन नहीं है, अगर वो x का फंक्शन होता तब हम उसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते और डायरेक्ट उसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y x का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये कैसे रिलेटेड हैं कि ये दोनों t के फंक्शन हैं। अब अगर इस तरह का फंक्शन हमें मिलता है तो इस तरह के फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे, अगर हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के फंक्शन में dy by dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और t के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद चेन रूल के फॉर्म पे इसे एक्सप्रेस करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है, सपोज y है जो एक फंक्शन है t का, और एक अनदर है x जो एक t का ही फंक्शन है, तो इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट dy by dt फाइंड करेंगे एंड हम फाइंड करेंगे dx by dt। अब dy by dt एंड dx by dt हमें मिल जाएगा क्योंकि ये t के फंक्शन है और t के रेस्पेक्ट में ही हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब उसके बाद हमें मेनली फाइंड करना है dy by dx, तो dy by dx के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और चेन रूल अप्लाई करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। dy by dx को हम लिख सकते हैं dy by dt एंड dt by dx, हम इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं चेन रूल के फॉर्म पे। अब इसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं dy by dt डिवाइडेड by dx by dt। जब हम इस तरह से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy by dx। तो यही फॉर्म हम बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने t का फंक्शन लिया है, हो सकता है ये कोई और थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो, जैसे कि m, n, थीटा, फाई, कुछ भी, किसी का भी ये फंक्शन हो, हम उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले y को देन x को, और उसके बाद दोनों के डिफरेंशिएशन को जब हम डिवाइड कर देंगे तब हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी। और हम इसे इस तरह से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ से चेन रूल अप्लाई करते हैं तो जब हम इसे dx by dt में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड x इज इक्वल टू a cos थीटा। अगर y a sin थीटा के इक्वल है एंड x a cos थीटा के इक्वल है, हमें dy by dx फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों फंक्शन को देखें x एंड y, तो यहाँ पर a तो कांस्टेंट है और ये दोनों हमें फंक्शन मिल रहे हैं थीटा के, तो हम क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के ही रेस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों के डिफ्रेंशिएशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमें dy by dx की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम फंक्शन y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy by d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा a sin थीटा। तो जब हम यहाँ से देखें तो a कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos थीटा, तो dy by d थीटा की वैल्यू हमें मिल गई a cos थीटा। सिमिलरली हम x फंक्शन को करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा d by d थीटा a cos थीटा, यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, हम उसे बाहर ले लेंगे और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है माइनस ऑफ sin थीटा।
तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब हमें ये दोनों मिल गए, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है ए कॉस थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से ए ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हमें मिलता है कॉट थीटा के इक्वल, और यहाँ से ये नेगेटिव साइन हमें मिल जाएगा। इस तरह से डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमें मिल गई माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर कोई भी दो फंक्शन दिए हों जो आपस में रिलेटेड ना हो बल्कि एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू रिलेटेड हों, तो उस कंडीशन पे हम दोनों को उस थर्ड वेरिएबल के अक्रॉस डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग लेकर, और उसके बाद उनके डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमें लास्टली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी 5.6 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर x एंड y एक अलग पैरामीटर के फॉर्म पे हमें दिए हुए हैं, हमें उस पैरामीटर को एलिमिनेट किए बिना, मतलब हमें उसकी वैल्यू को रिप्लेस किए बिना ये सॉल्व फाइंड करना है कि dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, y को उस पैरामीटर के फॉर्म रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड सिमिलरली x को भी हम उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसके बाद दोनों को डिवाइड करके हम dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2at² एंड y इज इक्वल टू at की पावर 4। यहाँ पर x एंड y दोनों t के फंक्शन हमें दिए हुए हैं, मतलब हम t के रेस्पेक्ट में ही इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू t, मतलब जब हम t के रेस्पेक्ट में फंक्शन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा dx एक्स बाई डी टी, और इस साइड पे हमें मिल जाएगा d बाई डी टी 2at². अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये t की पावर n के फॉर्म पे हमें मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू टी की पावर 2-1 दैट इज़ 1, तो ये हमें मिल जाएगा 4at। ठीक है, ऐसे ही हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy वाई बाई डी टी फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा d बाई डी टी ए टी की पावर 4। यहाँ पर a कांस्टेंट है और उसके बाद t की पावर 4 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें मिल जाएगा 4 t की पावर 4-1, 4-1 इज 3, तो ये हमें मिल गया 4at³। अब हमें फाइंड करना है dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा dy वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो dy वाई बाई डी टी हमें मिल रहा है 4at³ एंड dx एक्स बाई डी टी हमें मिल रहा है 4at। यहाँ से 4a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक t कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा t², मतलब dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई t², और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, और हमें यहाँ पर भी dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम फंक्शन x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये दोनों थीटा के फंक्शन हैं, तो ये हमें मिल जाएगा dx एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। यहाँ पर a कांस्टेंट है एंड कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो इस बेसिस पे ये हमें मिल गया माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम y को करते हैं dy वाई बाई डी थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा d बाई डी थीटा b कॉस थीटा। यहाँ पर b कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा, तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा माइनस बी साइन थीटा।
ओके, अब हम फाइंड करते हैं dy by dx, तो dy by dx हमें मिल जाएगा dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta हमें मिल रहा है minus b sin theta एंड डी एक्स बाई डी थीटा ये हमें मिल रहा है माइनस ए साइन थीटा. यहाँ से निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा बी बाई ए और ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू. डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया बी बाई ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी. यहाँ पर ये दोनों t के फंक्शन हैं, तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा dx एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई टी साइन टी. तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा cos t. ठीक है, सिमिलरली हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये हमें मिल जाएगा d बाई डी टी cos 2t. तो यहाँ पर cos 2t है, तो 2t एक अलग फंक्शन है, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन 2t एंड 2t एक अलग फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 और t का डिफ्रेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा. तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा माइनस 2 साइन 2t. ठीक है, अब जब हम dy by dx फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy by dt डिवाइडेड by dx by dt. तो इस तरह से dy by dt की वैल्यू है माइनस 2 साइन 2t एंड dx by dt की वैल्यू है cos t. तो ये हमें मिल गया माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t. यहाँ से साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी, और ये हमें किस तरह से मिलता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में स्टडी किया है. और यहाँ से ये हमें मिल रहा है कॉस टी, तो यहाँ से कॉस टी के फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 4 साइन टी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 बाई t. यहाँ पर भी ये दोनों t के फंक्शन हैं, तो हम फाइंड करते हैं dx एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी जब हम लोग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d बाई डी टी 4t. 4 कॉन्स्टेंट है एंड t का डिफ्रेंशिएशन हमें मिलेगा 1 t के ही रेस्पेक्ट में. तो इस तरह से dx एक्स बाई डी टी हमें मिल गया 4 और dy वाई बाई डी टी हम फाइंड करते हैं, तो dy वाई बाई डी टी हमें मिल जाएगा d बाई डी टी 4 बाई टी. तो यहाँ पर भी 4 कांस्टेंट है और 1 बाई टी है, तो 1 बाई टी को हम t की पावर माइनस 1 भी ले सकते हैं, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ t की पावर माइनस 2, क्योंकि ये हमें मिलेगा t की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2. ये हमें मिल गया dy बाई dx की वैल्यू. अब हम फाइंड करते हैं dy, ये हमें मिल गया dy बाई dt की वैल्यू. अब हम फाइंड करते हैं dy by dx, तो dy by dx हमें मिल जाएगा dy by dt डिवाइडेड by dx by dt. तो dy by dt की वैल्यू है माइनस 4 t की पावर माइनस 2 एंड dx by dt की वैल्यू है 4. यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा माइनस 1 by t स्क्वायर. इसके पावर को हम जब पॉजिटिव करेंगे तो ये हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा. इस तरह से dy by dx हमें मिल जाएगा माइनस 1 by t स्क्वायर और यही हमारा आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी हुई है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y की वैल्यू हमें गिवन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा. यहाँ पर ये दोनों थीटा के फंक्शन हैं, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा dx by d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा. कॉस थीटा को हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा एंड जब हम कॉस 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2. ठीक है,
तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस इज प्लस, टू साइन टू थीटा, ये हमें मिल रहा है डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा कॉस थीटा, एंड साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा कॉस टू थीटा। टू थीटा का जब हम अलग से करेंगे ये हमें मिलेगा टू, क्योंकि थीटा का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, हम टू को यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, हमें मिल रहा है कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। अगर हम इसे दूसरे फॉर्म पे लिखें, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू हमें मिल गई डी वाई बाई डी एक्स की, और ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। हमें यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है dy वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं dx एक्स बाई डी थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा d बाई डी थीटा a थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर a कांस्टेंट है, हम उसे बाहर ले लेते हैं। थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के ही रेस्पेक्ट पे ये हमें मिल जाएगा वन, एंड साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो ये हमें मिल गया dx एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। उसके बाद हम फाइंड करते हैं dy वाई बाई डी थीटा की वैल्यू। dy वाई बाई डी थीटा हमें मिल जाएगा d बाई डी थीटा a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी a कांस्टेंट टर्म हमें मिल जाएगा, वन का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा ज़ीरो, एंड कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमें मिल गया माइनस a साइन थीटा। हमें फाइंड करना है dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा dy वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब dy वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, एंड dx एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है a वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से a के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यह हमें मिल रहा है माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल। अब हमने जो पिछली क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में स्टडी किए हैं वो फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये हमने स्टडी किया था, अगर हमें साइन टू थीटा गिवन हो तो हम इसे लिखते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितना भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर एंगल है थीटा, तो इसलिए उसका हाफ हमने यहाँ पे थीटा बाई टू कंसीडर किया है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी हम करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा टू कॉस कॉस थीटा का फॉर्म हमने स्टडी किया है, तो कॉस टू थीटा हमने स्टडी किया है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर भी जब एंगल टू थीटा है तब यहाँ पर हमें थीटा मिल रहा है, पर यहाँ पर हम देखें तो एंगल थीटा है, तो ये हमें मिल जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इस तरह से। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से वन एंड माइनस वन ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। टू टू कैंसिल हो जाएगा और साइन का एक टर्म हमें यहाँ से कैंसिल मिल जाएगा, तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू।
कॉस बाई साइन हमें मिलता है कॉट, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई टू, और ये वैल्यू हमें मिल रही है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ये आंसर हमें मिल गया। यहाँ तक भी लाकर अगर हम इसे छोड़ दें तो ये आंसर भी ट्रू है। हमने केवल इसके फॉर्म को चेंज करके इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये आंसर भी राइट है। और अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर दें तो ये आंसर भी राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, और हमें यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं dx एक्स बाई डी टी, मतलब हम इस फंक्शन x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये दो फंक्शंस के डिवीज़न हैं यहाँ पर, तो हम डिवीज़न वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। और हमने स्टडी किया है कि अगर दो फंक्शन डिवीज़न में होते हैं तब हम यहाँ पर उनका फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिलता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये टर्म एज इट इज़ हमें मिल जाएगा, और साइन क्यूब टी का हम डिफ्रेंसीशन करेंगे, तो ये फंक्शन का फंक्शन है। साइन क्यूब टी का हमें डिफ्रेंसीशन मिल जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, एंड साइन टी एक अलग फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसीशन हमें मिल जाएगा कॉस और अंडर रूट कॉस टू टी। ये यहाँ पर भी एक अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस टू टी पावर 1/2, और हम इसे x की पावर n के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 कॉस टू टी पावर माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये हम इस तरह से मिलेगा, और कॉस टू टी को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन टू टी, एंड 2t का डिफ्रेंसीशन हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें सिंपल मिल जाएगा कॉस 2t। ये वाला 2 एंड ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, और ये हमें मिल जाएगा 1/√ कॉस 2t, और ये हमें मिल रहा है साइन 2t। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये हमें मिल जाएगा पॉजिटिव अपॉन कॉस 2t। अब हम यहाँ से इन दोनों फंक्शंस में एलसीएम लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कॉस 2t। ये हमें इस तरह से मिल गया। ये वैल्यू अभी हमें मिली है dx बाई dt की। अब हम फाइंड करते हैं dy बाई dt। तो dy बाई dt में भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म मिल रहा है, जब हम इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉस 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। ये फॉर्म हमें मिल जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉस क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन टी। सिमिलरली यहाँ से कॉस क्यूब टी हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, और अंडर रूट कॉस टी का 2t का डिफ्रेंशिएशन हमें एज इट इज़ यहाँ पे जिस तरह से मिला था वैसे ही मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू साइन माइनस साइन 2t 2
2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा cos 2t के इक्वल। इसे हम रिड्यूस करके और इसके डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब ये हमें मिल गया dy by dx की वैल्यू और यहाँ पे हमें मिल गई है dx by dt की वैल्यू। हम अब फाइंड कर लेते हैं dy by dx, तो ये हमें मिल जाएगा dy by dt अपॉन dx by dt के इक्वल। पुट करते हैं वैल्यूज, ये हमें मिल रही है dx by dt की वैल्यू और ये वैल्यू हमें मिल रही है dy by dt की वैल्यू। जब हम दोनों की वैल्यूज यहाँ पे लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t। ये हमें मिल गया। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में हमें sin 2t मिल रहा है। sin 2t को हम यहाँ से इसे सॉल्व करके हम लिख लेते हैं 2 sin t cos t। ये भी हमें मिल जाएगा 2 sin t cos t। ओके, अब ये इन दोनों फंक्शन में से हम sin t cos t कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा sin t cos t कॉमन। तो बचे हुए टर्म्स हम लिखते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 3 cos 2t cos t sin t प्लस sin क्यूब t। ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं cos 2t की। यहाँ पर हम cos का फॉर्म लेंगे और यहाँ पर हम sin वाला फॉर्म लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 3 cos 2t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 cos t प्लस 2 cos क्यूब t। सिमिलरली यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम sin वाला फॉर्म लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t sin t प्लस 2 sin क्यूब t। ये मिल गया हमें वैल्यू। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। सॉल्व करके लिखते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t और ये हमें मिल जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को देखें तो 3 sin t माइनस 4 sin 3t, ये हमें वैल्यू मिलता है sin 3t का। हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा और ये सेम फॉर्म हमें मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम नेगेटिव sin कॉमन ले लें तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा माइनस 3 cos t प्लस 4 cos क्यूब t और ये फॉर्म हमें मिलता है cos
3t का, और ये वाला नेगेटिव साइन हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल गया माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t, कॉस बाई साइन हमें मिल जाएगा कॉट, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस कॉट 3t, और यही वैल्यू हमें मिल जाएगी dy बाई dx की, तो dy बाई dx हमें मिल गया माइनस कॉट 3t, और यही हमारा रिजल्ट है जो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ था साइन क्यूब टी अपॉन कॉस अंडर रूट 2t, एंड y की वैल्यू हमें दी हुई थी कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस अंडर रूट कॉस 2t, उसका रिजल्ट हमें यहाँ से मिल रहा है माइनस कॉस कॉट 3t। ओके, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। यहाँ पर भी हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करते हैं dx बाई dt सबसे पहले, तो ये हमें मिल जाएगा, a यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमें मिल जाएगा d बाई dt cos t प्लस d बाई dt log ऑफ 10t बाई 2, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब cos t का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस sin t, एंड यहाँ पर ये फंक्शन का फंक्शन हमें मिल रहा है, तो अगर हम इस पूरे टर्म को एक अलग फंक्शन मानते हैं, तो log m अगर हम यहाँ पे मान लें m इज इक्वल टू 10t बाई 2, तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा log m, तो log m का डिफरेंशिएशन हमें 1 बाई m मिलेगा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई 10 t बाई 2। अब 10t बाई 2 का हम अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमें मिलता है 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t बाई 2, एंड t बाई 2 का हमें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 1 बाई 2। इस तरह से ये हमें मिल गया। अगर हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस साइन t प्लस 1 बाई 2। अगर हम इसे साइन t बाई 2 एंड अपॉन कॉस t बाई 2 लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा साइन t बाई 2, कॉस को हम ले लेते हैं sec t बाई 2, और यहाँ पे हमें मिल रहा है sec स्क्वायर t बाई 2, एक sec कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा माइनस साइन t प्लस 1 बाई 2 साइन t बाई 2 एंड कॉस t बाई 2। अब मैंने यहाँ पर कॉस इसलिए लिखा है क्योंकि sec स्क्वायर t बाई 2 यहाँ पर है और sec t बाई 2 यहाँ पर है, एक sec यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है sec t बाई 2। अगर हम उसे डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो हमें मालूम है sec एंड cos एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये हम इसे लिख लेंगे sec t बाई 2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 को हम लिख सकते हैं sin t, इसलिए हम इसे डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे sin t मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस sin t प्लस 1 बाई sin t। LCM लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि हमने स्टडी किया है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल गया कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। अब एक स्टेप अगर हम इसे और सॉल्व करें, तो कॉस बाई साइन हम लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा कॉट टी, और सिमिलरली कॉस टी यहाँ से हमें एक मिल रहा है, तो ये हमें मिल गया कॉस टी। ओके, अभी ये वैल्यू हमें मिल रही है dx बाई dt की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं dy बाई dt की वैल्यू, तो y हमें दिया हुआ है यहाँ पर a sin t, तो ये हमें मिल जाएगा d बाई dt a sin t, यहाँ पर a कांस्टेंट है और sin t का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos t, ठीक है। अब जब हम फाइंड करेंगे dy बाई dx, तो ये हमें मिलता है dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt हमें मिल रहा है a cos t, एंड dx बाई dt हमें मिल रहा है a cot t इंटू cos t, तो cos t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 बाई cot t, और 1 बाई cot t इज़ नथिंग बट 10
14, तो इस तरह से dy by dx हमें मिल जाएगा 10t के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, और हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। जब हम फाइंड करेंगे dx by d थीटा तो ये हमें मिल जाएगा d by d थीटा a इंटू sec थीटा, a यहाँ पर कांस्टेंट है और sec थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है, sec थीटा इंटू tan थीटा हमें मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, वाई की वैल्यू हमें गिवन है बी ई टेन थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। हमें मालूम है टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये दोनों के डिफरेंशिएशन हमें मिल गए। अब हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, दैट इज़ बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा विच इज़ ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमें मिल गया। यहाँ से सेक का टर्म एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा बी बाई ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा सेक थीटा हमें मिल जाएगा वन बाई कॉस थीटा, एंड टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा बी बाई ए वन अपॉन साइन टी थीटा विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी बाई ए इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं dx एक्स बाई डी थीटा, तो ये यहाँ पर a कॉन्स्टेंट टर्म है और ये हमें मिल जाएगा d बाई डी थीटा cos थीटा प्लस d बाई डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर डायरेक्ट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड थीटा इंटू कॉसाइन थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हमने स्टडी किया है, तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा वन। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। साइन का टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है, तो इस तरह से ये हमें मिल गया ए इंटू थीटा कॉस थीटा, ओके। अब हम फाइंड करते हैं सिमिलर डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा ए डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी हम वही फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इज थीटा देन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन इज कॉस थीटा और फर्स्ट फंक्शन दैट इज थीटा का डिफरेंशिएशन हमें वन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा ए इंटू थीटा साइन थीटा। अब अगर हम dy वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dy वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy वाई बाई डी थीटा हमें मिल रहा है a इंटू थीटा साइन थीटा एंड dx एक्स बाई डी थीटा हमें मिला है a इंटू थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से a इंटू थीटा के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमें मिल जाएगा टेन थीटा, और यही हमें dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट ओवर a पावर cos इनवर्स t, देन शो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x। हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x फंक्शन को लेते हैं। हमें x की वैल्यू गिवन है अंडर रूट a साइन इनवर्स t। हम अगर इसके रूट को ना लिख के हम इसे डायरेक्ट लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2, क्योंकि हम अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिखते हैं। तो अगर हमने स्टडी किया है कि इस तरह के फंक्शन होते हैं, दो पावर्स होते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t। ये हमें मिल गया फंक्शन x की वैल्यू। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लॉग लेते हैं, जैसा हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है। तो जब हम इस फंक्शन का लॉग लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा लॉग x, और ये हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। अब अगर किसी भी फंक्शन का पावर होता है तो पावर सामने आता है, अगर हम लॉग लेते हैं, हमने स्टडी किया है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। ये हमें इस तरह से मिल गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो ये हमें मिल जाएगा d बाई डी टी लॉग x, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा d बाई डी टी 1/2 साइन इनवर्स t लॉग a। इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर x इसका फंक्शन नहीं है, तो हमने जो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव स्टडी किया है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1/x dx बाई डी टी। सिमिलर यहाँ पर 1/2 एंड log ऑफ a, ये दोनों कांस्टेंट टर्म हैं, तो ये हमें बाहर मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन के। और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/√1 − t2। ये हम स्टडी कर चुके हैं ये हमें किस तरह से मिलेगा। अब यहाँ से हमें फाइंड करनी है वैल्यू dx बाई डी टी की, तो dx बाई डी टी हमें मिल जाएगा x इंटू 1/2 log a 1/√1 − t2। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लेते हैं फंक्शन y को। फंक्शन y हमें दिया हुआ है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, तो हम इसे भी लिख सकते हैं a cos इनवर्स t पावर 1/2। यहाँ पर भी इसके पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर 1/2 cos इनवर्स t। हम लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t log a। ठीक है, इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/y dy बाई डी टी, और यहाँ पर भी 1/2 log a कॉमन मिल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और cos t इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा −1/√1 − t2। तो dy by dx जब हम फाइंड करेंगे, dy by dt हमें मिल गया, हमें फाइंड करना है dy by dx, तो dy by dx तो ये हमें मिल जाएगा dy/dy/dt/dx/dt। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो dy by dt की वैल्यू है −y × 1/2 log a √1 − t2 अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से हम लोग लेते हैं x इंटू 1/2 log a इंटू 1/√1 − t2। अब यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसल हो जाएंगे
और हमें यहाँ पे मिल रहा है y माइनस वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू हमें मिल रही है dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और यही हमें यहाँ से देखिए प्रूफ करना था कि dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, और ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिल गया। हम इसे इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। मतलब हमने अभी तक वन टाइम डिफ्रेंसिएशन किया है किसी भी फंक्शन का, अगर हम सेम फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उसी फंक्शन को फिर से एक बार डिफ्रेंसिएट करें, तब डबल डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। और उसमें हम प्रोसीजर किस तरह से करेंगे और हमें रिजल्ट किस तरह से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।